वही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में जिला बीजापुर जिला मुडगू के सरहदी इलाका में तेलंगाना गृह उन्दस बल और बीजापुर डीआरजी बल द्वारा नक्सल विरोधी अभियान दिनांक 18 जुलाई से संचालित किया गया था। अभियान के दौरान 19 जुलाई को सुबह थाना इमलीडी में अंतर्गत सेमल डोडी के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चात घटनास्थल की सर्चिंग करने पर घटनास्थल से एक पुरुष माओवादी का शव और एक नग कार्बाइन में मैग्नीशियम ग्रेनेड बैटरी माओवादी वर्दी पिट्ठू माओवादी साहित्य सोलर प्लेट दवाइयां बर्तन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद किया गया। वही माओवादी बामन मड़काम विभिन्न माओवादी घटना में शामिल था और इसके विरुद्ध जिला बीजापुर में 2 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं। दिनांक 18 जुलाई को तेलंगाना के जिला मुडगू एवं बीजापुर के सरहदी क्षेत्रों में ग्रेहाउंड्स एवं डीआरजी बीजापुर द्वारा ज्वाइंट एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन के दौरान दिनांक 19 जुलाई के प्रातः पुलिस एवं माओवादियों के मध्य सेमनडोड़ी के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक पुरुष माओवादी का शव, साथ ही 9 एवं कार्बाइन मैगजीन माओवादी वर्दी पिट्ठू साहित्य ग्रेनेड एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं घटनास्थल से बरामद हुई है। प्रारंभिक रूप से मुठभेड़ में मारे गए माओवादी की जो शिनाख्तगी है वो बामन मड़काम के रूप में हुई है, जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 2 के सदस्य के रूप में सक्रिय था। इसके विरुद्ध जिला बीजापुर में 2 अपराध पंजीबद्ध।